वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। ठीक है, टॉपिक बहुत ही इसेंशियल है, टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के वाइज। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप ये जो वीडियो है तो वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि आपके जो पूरे डाउट्स है पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे देखने के बाद। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Is development of female gametophyte. टॉपिक का नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। ये है टॉपिक। ओके, अब इससे रिलेटेड हमें देखना है कि फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो पहले हम ये बात जान लेते हैं, तो फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होने से पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे कहा जाता है गायनोशियम। गायनोशियम के मेंबर को कहा जाता है कार्पेल। ओके, और एक कार्पेल में तीन पार्ट्स पाए जाते हैं। ऊपर का जो पार्ट रहता है स्टिग्मा, दूसरा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं स्टाइल, और तीसरा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं ओव्यूल। ओके, अब ओव्यूल जो होता है तो ओव्यूल में फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो यहां पे हम पहले जो स्ट्रक्चर है वो निकालना पड़ेगा ओव्यूल का। तो सपोज ये ओव्यूल का पार्ट है, दिस इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। ओके, ये कौन सा पार्ट है ओव्यूल के अंदर का? इंट्यूगमेंट्स, एक्चुअल इंट्यूगमेंट्स दो होते हैं। ठीक है, हमने अभी यहां पे रफ ड्रॉ किए हैं। ठीक है, इंट्यूगमेंट्स के अंदर ये जो पार्ट है ये है न्यूसलस का पार्ट। न्यूसलस में क्या होता है? न्यूसलस में ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूसलस। ओके, अब इनमें से कुछ जो सेल है वो क्या करेगी, खुद को मॉडिफाई करेगी, और मॉडिफाई करने के बाद कुछ इस तरह के अपीयरेंस उन सेल का होगा। ठीक है, तो यहां पे जो सेल हमने हाईलाइट की हुए इस सेल को कहा जाता है आर्किस्पोरियल सेल। सेल का नाम क्या है? आर्किस्पोरियल सेल। ओके, आर्किस्पोरियल सेल जो होती है ये क्या करेगी, ये खुद मॉडिफाई होके मियोसिस में जाएगी। मियोसिस में जाने से पहले आर्किस्पोरियल सेल को कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल। इट एक्ट्स एज अ मेगास्पोर मदर सेल। आर्किस्पोरियल सेल मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगी और मेगास्पोर मदर सेल की भूमिका बजाएगी। ठीक है, अब आर्किस्पोरियल सेल को कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल, तो ये क्या करेगी, ये खुद की डेवलपमेंट करके यहां पे चार टेट्राइड्स बनाएगी। मेगास्पोर मदर सेल जो है तो वो क्या फंक्शन बजाएगी, मेगास्पोर मदर सेल ओव्यूल के अंदर, ये स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल का है, तो ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल का काम क्या होता है, इन सेल का काम होता है मियोसिस में जाके यहां पे फोर लिनियर टेट्रायड्स बनाना। क्या बनाना? फोर लिनियर टेट्रायड्स। तो ये हो गए फोर लिनियर टेट्रायड्स, इनको हम नाम देते थे पहले पॉलेस लिनियर टेट्रायड। ओके, अब एक बात है, क्रोमोसोम नंबर कितना है इन सेल में? तो हर एक सेल में क्रोमोसोम जो है तो हैप्लॉइड रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो पहले बताया था आर्किस्पोरियल सेल तो वो डिप्लॉइड है। मेगास्पोर मदर सेल में क्रोमोसोम कितना है? डिप्लॉइड, ट्वाइस ए नंबर। ओके, और जो लिनियर टेट्रायड बनते हैं तो लिनियर, हर एक लिनियर टेट्रायड में क्रोमोसोम होते हैं या नंबर, हैप्लॉइड। ओके, अब इनसे इनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऊपर के जो तीन मेगास्पोर है, एक दो तीन, ये तीन मेगास्पोर जो है जो माइक्रोपाइल इनके करीब है, उन टेट्रायड को कहा जाता है, और उन मेगास्पोर को कहा जाता है नॉन फंक्शनल मेगास्पोर। यहां पे हम ड्रॉ कर देते हैं,
एक दो और तीन, और ये लास्ट वाला, ठीक है। तो ऊपर के जो तीन टेट्राहेड है उनको कहा जाता है नॉन फंक्शनल मेगास्पोर। यहां पे हम नॉन फंक्शनल मेगास्पोर लिख देते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाला जो है इसे कहा जाता है फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर कौन से पार्ट के करीब होता है? फंक्शनल मेगास्पोर शलाद्य जो पार्ट होता है और चलाद्य जो पार्ट है इसके करीब होता है, ठीक है। अब फंक्शनल मेगास्पोर का क्या होगा? फंक्शनल मेगास्पोर माइटोसिस में जाएगा, रिपीटेड माइटोसिस में, और इससे फीमेल गमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। तो देखो ये है फंक्शनल मेगास्पोर, ओके। यहां पे है न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड है, ओके। ये न्यूक्लियस जो है तो वो रिपीटेड माइटोसिस में जाएगा, इट अंडरगो माइटोसिस। पहले होगा माइटोसिस फर्स्ट, तो माइटोसिस फर्स्ट जो होगा तो क्या बनेगा? माइटोसिस फर्स्ट होने के बाद मेगास्पोर में एक न्यूक्लिया से बनेंगे दो न्यूक्लिया, ओके। अब ये दो न्यूक्लिया बनने के बाद ये दो न्यूक्लिया शिफ्ट हो जाएंगे हर एक पोल पे, ओके। ये न्यूक्लिया यहां पे शिफ्ट हो गया और ये न्यूक्लिया यहां पे शिफ्ट हो गया, हर एक पोल पे एक एक न्यूक्लिया शिफ्ट हो गया यहां पे, ठीक है। अब ये हर एक न्यूक्लिया कौन से प्रोसेस में जाएगा? माइटोसिस सेकंड। और माइटोसिस सेकंड होने के बाद इमीडिएटली होती है माइटोसिस थर्ड, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस होने के बाद क्या होगा? फंक्शनल मेगास्पोर में टोटल चार न्यूक्लिया फॉर्म होंगे हर एक पोल पे टोटल। अब इन चार न्यूक्लिया में से यहां पे हम ड्रॉ कर देते हैं, तब न्यूक्लिया शिफ्ट होंगे तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? ये है मेगास्पोर। तो सपोज यहां पे चार न्यूक्लिया थे, इन चार न्यूक्लिया में से एक एक न्यूक्लिया बीच में मतलब सेंटर में आ जाएंगे, यहां पे आ गए सेंटर में। अब इन दो न्यूक्लिया को कहा जाता है पोलार न्यूक्लिया। कौन से? ये जो पोलार न्यूक्लिया है इनका यहां पे फ्यूजन हो जाएगा। पोलार न्यूक्लिया का क्या हुआ? यहां पे फ्यूजन। और ये जो पार्ट फॉर्म हुआ इस पार्ट को कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। द पार्ट इज नोन एज सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम कितने होंगे? यहां पे दोनों सेल हैप्लॉयड है, तो दो हैप्लॉयड सेल कंबाइन होके जो सेल बनेगी उसमें क्रोमोसोम नंबर होंगे डिप्लॉयड, मतलब ट्वाइसन नंबर, ओके। अब यहां पे ये जो तीन न्यूक्लियाई का ग्रुप है ये तीन न्यूक्लियाई खुद की अरेंजमेंट एक प्रॉपर तरीके से करेंगे, और यहां पे अरेंजमेंट करने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एग एपरेटस। स्ट्रक्चर कौन सा है ये? एग एपरेटस। एग एपरेटस में जो मिडल मोस्ट सेल होती है इस मिडल मोस्ट सेल को कहा जाता है एग, और बाकी की जो लैटरल सेल होती है उनको कहा जाता है सिनर्जिड्स, ओके। मस्ट कंटेन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एग एंड सेकंड पार्ट इज सिनर्जिड। एंड हाउ मेनी सिनर्जिड्स आर प्रेजेंट? टू सिनर्जिड्स आर प्रेजेंट, ओके। अब तीसरा जो पार्ट है यहां पे, ये जो नीचे वाला पार्ट है वो, तो यहां पे जो तीन न्यूक्लियाई का ग्रुप है ये तीन न्यूक्लियाई का ग्रुप एक प्रॉपर तरीके से अरेंज होगा यहां पे, और इनसे बनेंगी तीन सेल का यूनियन और तीन सेल का ग्रुप बनेगा, ठीक है। इन तीन सेल को कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? एंटी
पोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स जो होती है, तो हर एक एंटीपोडल सेल्स हैप्लॉइड होती है, दैट मींस इट कंटेन एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यहां पे बताना रह गया था हमारा, तो एक में क्रोमोसोम कितने होंगे, हैप्लॉइड मतलब एन नंबर, और सिनर्जिड में भी कितने होंगे, हर एक सिनर्जिड में एन नंबर। ओके, तो यहां पे पूरे के पूरे पार्ट्स हैप्लॉइड है, एक हैप्लॉइड है, सिनर्जिड भी हैप्लॉइड है, हर एक एंटीपोडल सेल भी हैप्लॉइड है, ओनली एक ही पार्ट ऐसा है वो डिप्लॉइड है, उस पार्ट को कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो तीन पार्ट फॉर्म हो गए यहां पे, जब एम्ब्रियो के अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियस, एक एपरेटस और एंटीपोडल सेल्स फॉर्म हो जाएंगी, तो उस पार्ट को कहा जाता है, दिस पार्ट इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, द ओरल पार्ट इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहां पे फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म हो गया हमारा, मतलब ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब ये भी बता देता हूं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा और उससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, एंडोस्पर्म बनाना, और एंडोस्पर्म का फंक्शन होता है एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना। ओके, एक जो होता है, एक के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज होगा और उससे जायगोट बनेगा, मतलब यहां पे जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो ये बात ध्यान में रखना, एक फ्यूजेस विद मेल गैमेट एंड फॉर्म जायगोट, एंड जायगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म्स एंडोस्पर्म, एंड एंडोस्पर्म गिव नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। ओके, तो अभी हम पूरा एक बार स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं, तो इजी तरीके से समझ में आ जाएगा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करना है हमको। तो पहला जो पार्ट था वो था स्ट्रक्चर, कौन सी सेल रहती है। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस में आर्केस्पोरिया नाम की सेल होती है, वो सेल मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगी। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है। ओके, मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म करेगी लिनियर टेट्रायड्स। लिनियर टेट्रायड टोटल कितने, चार। हर एक लिनियर टेट्रायड कैसा है, हैप्लॉइड। लिनियर टेट्रायड को मेगास्पोर भी कहा जाता है, तो मेगास्पोर टोटल कितने हो गए, चार मेगास्पोर हो गए। उनमें से ऊपर वाले जो कहा जाता है नॉन फंक्शनल मेगास्पोर, और एक जो बचा हुआ रहता है शिलाजाल इनके करीब, उसको कहा जाता है फंक्शनल मेगास्पोर। ओके, अब जब फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म हुआ, तो फंक्शनल मेगास्पोर में जो न्यूक्लियस था वो हैप्लॉइड था। न्यूक्लियस का क्या हुआ, यहाँ पे माइटोसिस हुआ, रिपीटेड माइटोसिस। न्यूक्लियर बने दो, हर एक न्यूक्लियर शिफ्ट हो गया, उसके बाद में माइटोसिस सेकंड, माइटोसिस थर्ड हुआ, दो न्यूक्लियर से टोटल बन गए एट न्यूक्लियर। एट न्यूक्लियर में चार न्यूक्लियर एक पोल पे अरेंज है और चार न्यूक्लियर दूसरे पोल पे अरेंज है। उसके बाद उनमें से दो न्यूक्लियर बीच में आके उनका फ्यूजन हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। उसके बाद तीन न्यूक्लियस का जो ग्रुप है उनका फ्यूजन हो जाता है, उससे बनता है एक एपरेटस। एक एपरेटस में एक होती है एक, और दो होते हैं सिनर्जिड्स, और रिमेनिंग जो सेल का ग्रुप है उसे कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स, और वो भी कैसी होती है, हैप्लॉइड। ठीक है, अब अगर आपको एम्ब्रियो सैक के बारे में, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में क्वेश्चन आएगा कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, तो उसमें टोटल सात सेल होती है, इट कंटेन सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियस। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर सात सेल होती है, ये ऊपर वाले तीन सेल, नीचे वाले तीन सेल, 3+3=6, और बीच में की एक सेल, सेवन सेल। ओके, और न्यूक्लियस एट होते हैं, ये ऊपर वाले तीन सेल के तीन न्यूक्लियस, नीचे वाले तीन सेल के तीन न्यूक्लियस, और बीच में जो है वो मिडल पार्ट में जो है वो दो न्यूक्लियर है। तो मतलब 3+3=6+2=8, टोटल कितने न्यूक्लियर है, एट। तो मतलब यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, सेवन सेल है, एट न्यूक्लियेटेड। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट की जो डेवलपमेंट है वो मेगास्पोर के अंदर ही होती है, इसकी वजह से इसे कहा जाता है एंडोस्पोरिक, और एक ही मेगास्पोर से डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे आपको भी पता है शायद, तो एक ही मेगास्पोर से होती है, इसके वजह से उसे कहा जाता है मोनोस्पोरिक। मतलब जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ डाउट डिफिकल्टी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। ठीक है, और आपको लेक्चर देखने हैं तो ऊपर आई बटन पे जाके भी आप लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो